हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखने पे ध्यान देते हैं, उसके लिए हम लोग हमारे हेयर लुक को चेंज करते हैं, हम बार बार कलर्स करते हैं हेयर को, उसके लिए हम लोग बार बार ट्रीटमेंट्स करते हैं इतने सारे केमिकल वाले, और एक लुक से बोर हो गए तो हम लोग दूसरा लुक ट्राई करते हैं, उसके लिए अलग कलर करते हैं हेयर को, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट लेते हैं केमिकल वाले ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट करते रहते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि हमारे हेयर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो उसके लिए हेयर केयर करना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब आप कोई भी ट्रीटमेंट लो, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ, मैं भी बहुत सारे कलर ट्राई करती हूँ, मैं भी बहुत सारे ट्रीटमेंट करती हूँ। जब मैंने पहले स्मूदनिंग किया था उस टाइम भी मुझे बहुत लोग पूछते थे कि दी आपका हेयर फॉल नहीं हुआ क्या, दीदी आपके हेयर में डैंड्रफ नहीं हुआ क्या, दी आपके हेयर डैमेज नहीं हुए क्या। तो होने लगे थे डियर, हेयर डैमेज होते हैं, सबके हेयर डैमेज होते हैं। मैं कुछ ऐसा नहीं है कि अकेले की मेरे हेयर डैमेज नहीं हुए हैं, अकेले की मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है। केमिकल अगर आप लगाओगे तो केमिकल की वजह से डैमेज होने ही वाला है, आज नहीं तो कल डैमेज होने ही वाले हैं आपके हेयर। आप लोगों को पता है कि कलर में बहुत सारा केमिकल यूज होता है, तो इसी वजह से आपके हेयर डैमेज तो होते ही है। मैं भी बहुत बार हेयर कलर चेंज करती हूँ, अलग अलग हेयर कलर ट्राई करती रहती हूँ, उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट्स भी बहुत लेती हूँ। माना कि स्टाइलिश दिखना जरूरी है, उसके लिए आप ट्रीटमेंट करो, उसके लिए आप कलर्स करो हेयर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसकी केयर भी करो उसके साथ साथ। केयर कैसे करनी है, उसके लिए आपको हेयर केयर प्रॉपर करनी है, जैसे कि आप ऑयलिंग करो, उसके बाद आप अच्छे से शैम्पू करो, उसके बाद आप कंडीशनर यूज करो, उसके बाद आपको सीरम भी लगाना है। ये हो गई हेयर केयर। उसके बाद कोई पैक वगैरह अप्लाई करो, अच्छे से आप हेयर केयर करो। ये तो ऊपर ऊपर का हो गया, और कुछ लोग बाहर से हेयर केयर करते हैं फिर भी उनकी कंप्लेंट होती है कि दी हम लोग तो हेयर केयर प्रॉपर करते हैं फिर भी हमारे हेयर फॉल होता है, फिर भी हमारे हेयर रफ दिखते हैं, और फिर भी हमारे हेयर डैमेज हो गया है। मेरे भी बाल डैमेज हो गए थे, मेरे भी रफ बाल हो गए थे, और मेरे भी हेयर फॉल होने लगा था, और डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा हो गया था। आपके फेस पे ग्लो लाने के लिए, आपके फेस को फेयर करने के लिए, टैनिंग हटाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए आप फेस ट्रीटमेंट भी करते हो, और उसका नतीजा भी अलग ही हो जाता है। कुछ उम्र से पहले बुड्ढे दिखने लगते हो, या आपके झुरिया पड़ने लगती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, पिगमेंटेशन बढ़ जाता है आपके फेस पे, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ता है उन ट्रीटमेंट की वजह से। अगर आपको आपके हेयर अच्छे रखने हैं, अगर आपको आपके नेल्स अच्छे रखने हैं, अगर आपको आपकी स्किन अच्छी रखनी है, तो उसके लिए आपको अंदर से कुछ लेने की जरूरत है। ऊपर ऊपर से तो आप करते ही होंगे, लेकिन अंदर से आपको उसकी केयर करने की जरूरत है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सप्लीमेंट लेती हूँ, और जो मैं आजकल सप्लीमेंट ले रही हूँ वो है ये जेनिथ का हेयर स्किन एंड नेल्स हेयर फैब गमीज। ये मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों ये भी बता दूं, ये गमीज की फॉर्म में आता है, और इस तरह से आपको इसमें इंडिविजुअल पैक होके गमीज मिलती है। इसे आपको इस तरह से ओपन करना है, और बस आप देख सकते हो इसमें एक छोटा सा टेडी बेयर जैसा गमी है, और इसके ऊपर शुगर लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से ये बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, और बस खा लिया। इसकी वजह से ना आपके हेयर्स अच्छे हो जाएंगे, आपके नेल्स अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएंगी, और आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। मतलब आपको लगेगा भी नहीं कि आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, और आपके नेल्स के लिए। अगर आप आर्टिफिशियल नेल्स लगाते हो तो वो कितने दिन चलते हैं, एक महीना डेढ़ महीना, उससे ज्यादा तो नहीं चलते हैं, और उसमें खर्चा कितना ज्यादा हो जाता है। अगर आपके नेल्स नेचुरली ग्रो करेंगे, नेचुरली अच्छे होंगे, नेचुरली हेल्दी रहेंगे, तो आपके नेल्स ऑटोमेटिक अच्छे दिखने वाले हैं, आपके नेल्स बढ़ने वाले हैं, और आपको कोई भी नेल्स एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और अंदर से हेल्दी होंगे आपके नेल्स, तो बहुत फास्ट ग्रो करेंगे, और उससे नेल्स आपके बहुत अच्छे भी दिखेंगे, बार बार टूटेंगे नहीं। उसके लिए आप ये सप्लीमेंट ले सकते हो, और ये सप्लीमेंट आपको इतने टेस्टी फॉर्म में मिलता है कि आपको लगेगा नहीं कि आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो, आप बहुत अच्छी से बहुत याद से इस सप्लीमेंट को लोगे। अगर आप कोई दूसरी सप्लीमेंट लेते हो, टैबलेट वगैरह या कैप्सूल्स वगैरह, उसको लेने के लिए आप इतना ध्यान नहीं रखोगे कि आपको ये लेना है, इसे लेने के लिए आपको अपने आप याद आएगा कि नहीं यार मुझे कुछ खाना है, कुछ खाने का मन करेगा, आपको हमेशा हमेशा इसकी याद आएगी। और इतने ज्यादा टेस्टी है ना ये, इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आपको मिलता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, इतना ज्यादा भी नहीं आपको खाना है इसे, बट मुझे इसकी याद आती है, तो इसी वजह से मैं डेली इसमें से एक गमी खा लेती हूँ,
उससे ज्यादा भी मेरा मन करता है, बट अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। बट एक गमी तो आपको दिन में खानी ही है, और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो। इस बॉक्स में आपको 45 गमीज मिल जाती है, एक एक अगर आप खाओगे तो ये आपकी गमीज 45 डेज तक चल जाएगी। और उसके लिए जो प्राइस आप पे करोगे वो 511 रुपीज है, मतलब आपको इस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लिंक पे क्लिक करके देख लेना कि इसका जो प्राइस है, करंट प्राइस क्या है, मतलब डिस्काउंट कितना मिल रहा है इस पे। आप सोचो कि इसको लेने की वजह से आपको फेस ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपका वो भी खर्चा बच गया। उसके बाद आपको नेल्स एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी खर्चा आपका बच गया। और आपका खर्चा होगा तो क्या, आपको अगर कलर करने की आदत है या कलर करने का शौक है तो आपको बस हेयर कलर करने का वो खर्चा होगा आपको, और उससे आपके बाल भी डैमेज नहीं होंगे इसको लेने की वजह से। मतलब आप कोई भी कलर करते रहो, मतलब हर महीने भी आप कलर चेंज करोगे ना तो भी आपके हेयर डैमेज नहीं होने वाला है, क्योंकि अंदर से ये आपके बालों को न्यूट्रिशन देगा, आपके बालों को अच्छा करेगा। इसमें बायोटिन एंड इनोसिटॉल है, तो ये क्या करता है आपके हेयर को, आपकी स्किन को और आपके नेल्स को अंदर से अच्छा करता है। तो इसे आप डेली सप्लीमेंट की तरह ले सकते हो, और वो भी टेस्टी ऑप्शन है सप्लीमेंट में, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, जो आपको हेल्प करेगा हेयर अच्छे रखने के लिए, आपके स्किन अच्छे रखने के लिए और आपके नेल्स अच्छे रखने के लिए। तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा हो और आपको परचेस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है आपके लिए, आप वहां पर जाके परचेस कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको इस प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पे पहुंच जाओगे और वहां से आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो। ये सप्लीमेंट का टेस्टी ऑप्शन तो है ही, और इसे लेने की वजह से आपके ब्यूटी में और भी चार चांद लगने वाले हैं। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, और आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। आई होप गाइज आपके लिए ये आज का वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उससे ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और हाँ, इसके साथ साथ मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।